नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं जान रहा हूं कि मेरे वीडियोस कुछ लेट डाले जा रहे हैं, लेकिन समय अब आपकी वस्ती कारण मुझे थोड़ा सा वीडियो लेट डाल पा रहा हूं मैं। लेकिन आज जो मैं वीडियो आपको बताने जा रहा हूं, या आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुंडली का विश्लेषण है कि कैसे कुंडली देखते हैं और उस कुंडली से क्या क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो आपको मैं विश्लेषण बताऊंगा इसका, कुंडली का। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ। एक कुंडली है जो हमारे पास आई थी, वो कुंडली मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। ये देखिए, ये कुंडली है, ये एक लेडी की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1970। सुबह 3 बजे बुलंदशहर में इनका टाइम है, आप भी नोट कर सकते हैं। 23 मार्च 1970 सुबह के 3 बजे बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये फोटोग्राफ मैं थोड़ा अलग ऊपर कर लेता हूँ ताकि कुंडली सारी दिखाई देती रहे आपको। हाँ, तो इस कुंडली में इनके दो संतान हुई, एक दो लड़कियां हुई। एक लड़की 5 अक्टूबर 1991 में हुई, दूसरी लड़की इनकी 11 जुलाई 2003 में हुई। और जो पहली लड़की थी वो आपका नॉर्मल डिलीवरी रही, जो सेकंड चाइल्ड था वो सिजेरियन डिलीवरी रही। तो हम ये स्टडी करना चाहते हैं इस कुंडली से कि ऐसा क्यों रहा, क्यों पहले चाइल्ड में नॉर्मल रही, क्यों दूसरे चाइल्ड के अंदर सिजेरियन डिलीवरी रही, ऐसे क्या रीजन बने जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, तो उसको स्टडी करते हैं। तो पहले तो हम ये स्टडी करते हैं कि इसका पांचवा भाव कैसा है, जो संतान का भाव है वो कैसा है। तो अगर आप पांचवा भाव देखें तो पांचवें भाव पे किसी की दृष्टि नहीं है, कोई भी ग्रह की दृष्टि पांचवें भाव पे इसके अंदर पर नहीं है। पांचवें भाव का स्वामी वीनस गया है, जो दो पाप ग्रहों से, सूर्य से और बुध से, क्योंकि बुध जब सूर्य के साथ बैठता है तो वो भी पाप ग्रह बन जाता है, उनसे पीड़ित है। लेकिन चंद्रमा से दृष्ट भी है, एक शुभ ग्रह से दृष्ट भी है, तो वीनस वहां है। गुरु को अगर देखें हम, जो गुरु कारक होता है संतान का कारक हमारा केंद्र में बैठा हुआ है 10वें भाव में, और शनि मंगल से दृष्ट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर गुरु भी पीड़ित दिखाई दे रहा है। तो गुरु पीड़ित दिखाई दे रहा है तो ये तो साफ साफ नजर आता है कि अगर संतान होगी तो कन्या संतान होगी, क्योंकि गुरु इसके अंदर पीड़ित है। और अगर हम ये देखें कि नवांश चार्ट में देखें, तो नवांश चार्ट में अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि पांचवें भाव का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका कारक गुरु कहाँ है? गुरु हमारा बैठा हुआ है नवांश में, ये भी लगन में बैठा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। गुरु से पंचम देखें, गुरु से पांचवा देखना बहुत जरूरी होता है संतान के लिए। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि शुक्र शुक्र की राशि आती है, और शुक्र वही लगन के अंदर बैठा हुआ है तो ये भी अच्छा है। इसका मतलब कुंडली में सप्तांश चार्ट भी देख लेते हैं। सप्तांश चार्ट में जो यहाँ लगन में राशि है 4 नंबर, वो T1 चार्ट के 7वें भाव की राशि है, ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन लगन में शनि बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। पांचवा भाव अगर इसका देखें, पांचवे भाव में राशि है मंगल की, और मंगल बैठा है दूसरे भाव में, ठीक है, दूसरे भाव में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। 6 8 12 भाव में नहीं होना चाहिए, तीसरे भाव में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद गुरु देखें तो गुरु हमारा इसके अंदर कहाँ बैठा है? गुरु को अगर आप देखते हैं तो गुरु बैठा है हमारा 6ठे भाव में, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम वाली बात हो गई। और गुरु से पंचम देखें, 1 2 3 4 5, मंगल की राशि है, चंद्रमा बैठा है और मंगल धन भाव में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली में ग्रह तो पीड़ित है, मतलब ये तो लगता है कि कारक भी हल्का पीड़ित है कि भाई कन्या होनी है, लेकिन ये कुंडली नहीं शो करती कि इसमें अनपत्य योग है या इसमें चाइल्ड नहीं होगा, चाइल्ड इनमें हो सकता है। तो इसलिए इस कुंडली में ये हुआ कि इनके दो बच्चे हुए, और दोनों बच्चों का टाइमिंग्स मैंने आपको बताया है, मैं दोबारा लिखवा दूंगा आपको, उनको आप नोट कर लीजिए। तो
तो उससे आपको ज्यादा अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये तो हमने देखा कि कुंडली में ये संतान पैदा होने का योग बनता है, इतना ज्यादा पीड़ित नहीं है। कारक जरूर पीड़ित है गुरु, उसकी वजह से क्या है कि पुत्र का योग नहीं बनता, कन्या का योग बनता है। अच्छा, अगर हम अब चलें आपके, देखिए देखिए, पहला जो बच्चा हुआ वो हुआ 5/10/1991, यानी 5 अक्टूबर 1991 को। तो 5 अक्टूबर 1991 में अगर हम चलें तो हमें जो दशा मिलती है, ये आप दशा देखिए, 5 अक्टूबर 1991 की दशा। हम ये निकालना चाह रहे हैं कि 5 अक्टूबर 1991 में जो बच्चा हुआ वो नॉर्मल हुआ, ये है। पांच अक्टूबर 1991 की दशा थी राहु में जुपिटर में जुपिटर, राहु में जुपिटर में जुपिटर की दशा थी। इसको काइंडली आप नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, यहां से नहीं तो आप भूल जाएंगे कि जब पहला बच्चा हुआ उस वक्त दशा थी राहु में जुपिटर में जुपिटर, और जब दूसरा बच्चा हुआ 11 जुलाई 2003 में, 11 जुलाई 2003 में, तो दशा थी, एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ दशा उस वक्त क्या थी। ग्यारह जुलाई 2003, राहु में सूर्य, इसको खोल लेते हैं, थोड़ा प्रत्यंतरता कर लेते हैं। 11 जुलाई 2003, देखिए नीचे आ रहा है यहाँ पे, 21/6/2003 से 18/7/2003 तक राहु में सूर्य में चंद्रमा। तो दूसरे बच्चे के समय में दशा थी राहु में सूर्य में चंद्रमा की। अब ये हमें देखना है कि ऐसा, सबसे चले चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 11 अक्टूबर, जो पहला हमारा बच्चा हुआ है 5 अक्टूबर 1991 का हुआ है, उसका एक चार्ट बनाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। आपने दशा दोनों की नोट कर ली कि 5 अक्टूबर 1991 में दशा है राहु में जुपिटर, और 11 जुलाई 2003 को दशा है राहु में सूर्य में चंद्रमा। ये दशाएं आपने दोनों ने नोट आपने नोट कर ली हैं दोनों दशाएं। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि पहले बच्चे का जब जन्म हुआ तो ट्रांजिट क्या था, मतलब जो पहले बच्चा जिसका जन्म हुआ तो वो उस वक्त का गोचर था, ये हम मान सकते हैं। तो पहला बच्चा 5 अक्टूबर 1991, तो हम ले लेते हैं इधर न्यू, चादर छोड़ देते हैं, टाइम डेट डाल देते हैं 5 अक्टूबर 1991, 05/10 1991। टाइम हमारे पास चलिए इसका नहीं है, हम टाइम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ले लेते हैं 5 अक्टूबर 1991। तो 5 अक्टूबर 1991 को हमारी ये कुंडली बनती है, यानी 5 अक्टूबर 1991 को हम कह सकते हैं कि गोचर ये रहा होगा, ये गोचर रहा होगा। अब इसमें सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि जो मदर की कुंडली है, मदर की कुंडली ये हमारी है, ये वाली मदर की कुंडली है, मदर की कुंडली में जो लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी कौन है, शनि। शनि कहाँ बैठा है, मेष राशि में। तो हमारा जो भाव सिद्धि काल है, जो मैंने आपको पीछे कुंडली बताया है भाव सिद्धि काल, उसके अनुसार लग्नेश से भावेश, भावेश कौन होता है, पांचवें भाव का स्वामी। पांचवें भाव का स्वामी कौन है, पांचवें भाव का स्वामी है शुक्र। अगर लग्नेश से पांचवें भाव का स्वामी त्रिकोण में आए या सम सप्तक में आए तो उस भाव के फल मिलते हैं। ये मैंने आपको भाव सिद्धि काल में पीछे पढ़ाया हुआ है वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उस वीडियो को पढ़ लीजिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भाव सिद्धि काल का इस्तेमाल बहुत होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम देखिए इसका जो माता का जो लग्न है वो 10 नंबर मकर राशि है, यानी शनि लग्नेश बना, और लग्नेश बैठा है मेष राशि में। तो मेष राशि को अगर हम यहाँ लग्न बनाते हैं, ये प्रश्न वाली कुंडली में इस मेष राशि को हम लग्न बना लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि लग्नेश जहां बैठा हो उसको लग्न बना लो, उससे त्रिकोण में भावेश आए। त्रिकोण में देखिए शुक्र आ गया, जहां लग्नेश का हमने राशि को फिक्स कर लिया तो उसके त्रिकोण में पांचवें भाव में शुक्र आ गया। शुक्र क्या था, मदर की कुंडली में भावेश था,
शुक्र मदर की कुंडली के अंदर पांचवें भाव का स्वामी था। तो ये आपको मालूम चल गया कि ये यहां पर आ गया है, इसका मतलब चाइल्ड होने का समय बिल्कुल सही है भाव सिद्धि काल के हिसाब से, क्योंकि जो लग्नेश है, लग्नेश से पंचमेश यानी जो पंचमेश था शुक्र वो त्रिकोण में आया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा। अब इसमें एक चीज हम देखते हैं कि इस दौरान जिस समय ये बच्चा हुआ दशा क्या थी, जो माता की दशा थी वो थी राहु में जुपिटर में जुपिटर, जो मैंने आपको नोट कराई है 5 अक्टूबर 1996 को राहु में जुपिटर की महादशा थी। तो राहु में जुपिटर को अगर आप देखते हैं तो क्या देखते हैं आप कि राहु बैठा हुआ है आपका नवे भाव में, अच्छा भाव है, नवे भाव में बैठा हुआ है राहु, देखिए 9th हाउस में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। और तो राहु बहुत अच्छा हो गया, और जुपिटर जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है पंचमेश पंचम भाव में त्रिकोण में, यानी दोनों जो ग्रह हैं वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं, यानी उस वक्त उन ग्रहों की दशा चल रही थी जो ग्रह उस समय त्रिकोण में थे। आई रिपीट, जिस समय ये बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि हमने जो ये कुंडली लगाई है ये बच्चे के पैदा होने की कुंडली लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस समय का गोचर है 5 अक्टूबर 1991 का जब बच्चा पैदा हुआ। तो 5 अक्टूबर 1991 में जो दशा थी माता की वो थी जुपिटर में राहु में जुपिटर में जुपिटर। तो राहु में जुपिटर में जुपिटर को अगर हम 5 अक्टूबर 1991 को चेक करें तो राहु में राहु बैठा हुआ है नवे भाव में, जुपिटर बैठा हुआ है पंचम भाव में, यानी दोनों त्रिकोण में बैठे हुए हैं। यानी उस वक्त ऐसे ग्रहों की दशा थी जो दोनों ग्रह त्रिकोण में बैठे हुए थे, इसलिए डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई, क्योंकि दशा बिल्कुल त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों की दशा थी जिस समय पहला बच्चा पैदा हुआ। सेकंड चाइल्ड का लगाते हैं, सेकंड चाइल्ड का लगा के देख लेते हैं, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। न्यू बना लेते हैं इसको। सेकंड चाइल्ड का जो बर्थ है वो है 11 जुलाई 2003, 11 जुलाई 2003। ये देखिए यहां ये देखते हैं, अब कुंडली में पीछे देखे हम लोग तो कुंडली में वही हम क्या करते हैं कि माता का वो लगा लेते हैं, माता की कुंडली ये वाली हमारी बनी हुई है, इसका माता का लग्न है, लग्नेश बनता है शनि, शनि बैठा है मेष राशि में। तो इस कुंडली में एक सेकंड, हमने कौन सी कुंडली लगा ली है, ये वाली, ये तो हमारी हो चुकी है, ये वाली कुंडली है 13 जन की, इसमें भी हम लोग इसको लग्न बना लेते हैं, जहां लग्नेश बैठा हुआ है माता का, ये लग्नेश हमने बना लिया। अब इसमें हम लोग ये चीज देखें कि जब यहां पर दशा थी, जब ये दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो दशा क्या थी, राहु में सूर्य में चंद्रमा। तो राहु कहां बैठा हुआ है, राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य कहां बैठा हुआ है, वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, वो भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, वो भी अच्छा नहीं है, नीच राशि में बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यंतर दशानाथ भी अंतर दशानाथ भी ये सब अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए थे, यानी उस वक्त ऐसे ग्रहों की दशा चल रही थी जो आपके अच्छे भाव में नहीं थे, मतलब 8वां भाव में था या 3रा भाव में था, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि यहाँ डिलीवरी सिजेरियन हुई। अब आपसे ये पूछे कि कोई आदमी आपके पास आएगा या कोई लेडी आपके पास आती है पूछने के लिए कि जी प्रेग्नेंट है और जो बच्चा है वो नॉर्मल होगा या कैसे होगा, तो आप कैसे एकदम निकालेंगे, उसका आंसर देंगे? तो उसका सीधा तरीका ये है कि आपको नॉर्मली आज की डेट में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है कि ये तो मालूम होता ही है कि बच्चा पैदा होने की डेट करीब करीब वो दे देते हैं। तो आप वो निकालिए कि जिस समय बच्चा पैदा होने वाला हो उस वक्त में डेट आसपास क्या होगी, उस डेट का चार्ट बना लीजिए, गोचर चार्ट बना लीजिए, और मदर का देख लीजिए कि उस डेट में, मदर के चार्ट में देखिए कि उस डेट में मदर की कौन सी दशा चल रही है। फिर समझिए,
मान लिया किसी लेडी के, वो बताती है कि साहब जो संतान होने की डेट है वो 10 अक्टूबर है, तो आपने 10 अक्टूबर को नोट कर लिया, 10 अक्टूबर से 2021 है, आपने उसको नोट कर लिया। अब आपने ये देखा कि 10 अक्टूबर 2021 में जो उस लेडी की कुंडली है उसके हिसाब से उसकी क्या दशाएं चल रही थी, क्या दशाएं होंगी, चल रही नहीं थी, सॉरी माफ कीजिएगा, उसकी दशाएं क्या होंगी, तो वो दशाएं आप नोट कर लीजिए। उन दशाओं को नोट करने के बाद 10 अक्टूबर 2021 का आप चार्ट बनाएं, ये अज्यूम करते हुए कि संतान 10 अक्टूबर को पैदा होनी है, और उसमें देखें कि जिन ग्रहों की उस लेडी की दशा चल रही थी वो ग्रह इस कुंडली में किस तरीके से प्लेस्ड है, अच्छे भावों में प्लेस्ड हैं या 6-8-12 में प्लेस्ड हैं। तो अगर वो 6-8-12 में तीसरे भाव में ऐसे भावों में प्लेस्ड होंगे तो जाहिर सी बात है कि संतान पैदा होने में समस्या होगी, अगर वो अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे, त्रिकोण में होंगे, केंद्र में होंगे, तो संतान पैदा होने में कोई समस्या नहीं होगी, नॉर्मल होगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था, सबसे बड़ी चीज इसमें यही रहती है। और दूसरी चीज इसमें एक मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गोचर की कुंडली बनाते हैं एक डेट के बाद, वो कुंडली जो बनाते हैं उस कुंडली में लगन आपको वो रखना है जो माता का लग्नेश जिस राशि में है, क्योंकि बेसिकली जो कुछ होना है वो माता को होना है ना, संतान होनी है माता को होनी है, तो इसलिए हमने इन कुंडलियों में भी जो लग्नेश बनाया वो मेष राशि को ही बनाया, लगन को, इस कुंडली के अंदर भी जो लगन बनाया वो हमने मेष राशि को ही बनाया, ये मानते हुए कि माता का जो लगन लग्नेश है वो मेष राशि में बैठा हुआ है, और रिजल्ट जो मिलने हैं वो माता को ही मिल रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल कुंडली है लेकिन बड़े तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले कुंडली जब आपके पास आए तो पहले ये चेक कीजिए कि संतान का योग बनता है या नहीं बनता है, उसके लिए कुंडली D1 चार्ट चेक कर लीजिए, D9 चार्ट देख लीजिए, D7 चार्ट देख लीजिए। उन तीनों चार्ट देखने के बाद जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ संतान का योग बनता है, तो फिर आप आगे कुंडली को देख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पीड़ित ग्रह उसमें नहीं है तो संतान होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्रह बहुत ही पीड़ित हो, पंचमेश भी पीड़ित हो, पंचमेश अष्टम भाव में गया हो, पंचमेश छठे भाव में गया हो, या पंचमेश 12वें भाव में गया हो और गुरु भी पीड़ित हो, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि संतान पैदा नहीं होने का योग्य है, योग है। तो ये कुंडली मैंने आपको बताई, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।